Hey everyone, once again welcome back in our channel KMYM. So friends, finally Central University of Haryana yani Haryana Kendriya Vishwavidyalay ne apna third allotment list apne counselling portal cucet.edu.app.co.in par release kar diya hai. Aap wahan jaakar dekh sakte hain. Main is video mein aapko third allotment list se juri kuch mahatvapurna jankari dunga jo aapko janna chahiye. So friends, chaliye bina samay gawaye video ko start karte hain. Aur haan, आपने अगर अभी तक KMYM चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा. सो फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं. देखिए, आप किसी भी ब्राउज़र में ये वेबसाइट खोल लीजिएगा cucet.edu.app.co.in का. तो यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा होगा राउंड 3 प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट. इस पर क्लिक करके आप अलॉटमेंट लिस्ट देख सकते हैं जो भी है. और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला था कि जैसे ये थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट निकला होगा, जैसे मैं आपको खोल के बताता हूँ. जैसे थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जो निकला है, इसमें उन बच्चों का नाम नहीं होगा जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ये सेकेंड राउंड में मिल गया था. मीन्स सेकेंड राउंड में जिन जिन बच्चों को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया होगा उनका नाम इसमें नहीं होगा, बशर्ते उन्होंने सेकेंड राउंड में अपना फी पेमेंट कर दिया था. मीन्स सीट एक्सेप्ट करने का जितना भी प्रोसेस था उसको पूरा कर लिया था, उसका नाम इस राउंड में नहीं होगा, इस लिस्ट में नहीं होगा. आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में. और हाँ फ्रेंड, जिन जिन बच्चों का इसमें नेम आया होगा और उनका जो भी कोर्सेज मिला है उनको अब तो राउंड आगे होगा नहीं, ये थर्ड एंड फाइनल राउंड है, इसके बाद स्पॉट राउंड होगा. आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. और इस पर क्लिक करके पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पर क्लिक करके आपको फी पेमेंट कर देना है अगर आपने नहीं किया होगा. और हाँ, जैसे कि मानिए आपको पिछले राउंड 2 में प्रेफरेंस सेकेंड मिला था, उसका फ़ी मानिए 10,000 था, और इसका इसमें आपको राउंड 3 में फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, मानिए इसका फ़ी 20,000 है, तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 पेमेंट कर देना है. मतलब जो भी फी बच जाएगा वो आपको इसमें पेमेंट कर देना पड़ेगा. मानिए कि आपको सेकेंड राउंड में आपको जो सीट मिला था उसका फ़ी मानिए कि 30,000 है, और इसमें जो मिला है उसका फ़ी मानिए कि 20,000 है, तो आपको 10,000 रिफंड हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं. आप समझ गए होंगे. सो फ्रेंड्स, यही चीज़ है. और हाँ, स्पॉट राउंड में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा. उसका जो वैकेंसी है वो 24 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, और आप 26 तारीख को यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुँचिए. वहाँ पर स्पॉट राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा क्योंकि उसमें सीट आपको मिल सकता है. स्पॉट राउंड में मार्क्स नहीं देखा जाता है, उसमें कितना स्टूडेंट वहाँ पर रिपोर्ट किया वो देखा जाता है. इसलिए मार्क्स को लेकर आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको सीट मिलने का संभावना पूरा है. इसलिए 26 डेट जो जुलाई है उसको अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए. वहाँ पर स्पॉट राउंड होगा यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा. और फ्रेंड्स, और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूँ. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखता हूँ. मेरा उद्देश्य यही था कि आपको बताऊँ कि थर्ड अलॉटमेंट आ गया, क्योंकि बहुत बच्चों ने पूछा था. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं. तब तक के लिए क्या, बाय बाय.